अस्सलाम वालेकुम, मैं फिरदौस अली आज जो रेसिपी शेयर करने आई वो है आलू मटर की टेस्टी सूखे मसालों की सब्ज़ी। हम बनाएंगे आलू मटर की सूखी सब्ज़ी जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। उसमें कुछ मसाले डलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने एक टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, एक टेबल स्पून सौंफ ली है, एक टेबल स्पून खड़ा धनिया लिया है और आठ एक लाल सूखी मिर्च ली है। इसको मैं रोस्ट करूँगी, उसके बाद इसको इमाम दस्ते में हम कूट लेंगे। इसको हमें बारीक पीसना नहीं है, इमाम दस्ते में कूटेंगे हम इसको सेक के अच्छी तरह से। कढ़ाई मैंने गरम करने रखी थी गैस पे और ये सभी चीज़ें डाल दी हैं और इनको मैं 2 मिनट तक अच्छी तरह से सेक लूँगी। सभी चीज़ें हमने अच्छे से रोस्ट कर ली और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सिकाने के बाद। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी। मसालों को मैंने निकाल लिया है, अब यहाँ पर मैं इमाम दस्ते में डालकर इसको कूट लूँगी। इसमें डालकर हम इसको अच्छी तरह से कूट लेंगे। हमें बारीक नहीं करना है, बस तो दुरमुरा हम इसको कूट लेंगे। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इस तरह से क्यूब्स में काट के रखे हैं, ये देखिए इस तरह से। और 1 कप फ्रोज़न मटर लिए हैं। इस पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, उसमें ऑयल डाला है और उसको मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ डालूँगी 1/2 टीस्पून राई, 1 पिंच हींग और चटक गई है। अब हमने जो आलू काट के रखे थे वो डाल दिए। हमारे आलू थोड़े गल जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च, हमने लाल मिर्च कुटी हुई भी ली है इसलिए 1/2 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च लेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। डालेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और डालेंगे थोड़ा सा 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आलूओं में। इसको ढक देंगे ताकि थोड़े से आलू अच्छे से हमारे गल जाए, उसके बाद हम मटर मिलाएंगे। इसको हम ढक देंगे कि हमारे आलू गल जाए। मसालों को भी हमने इस तरह से कूट के रख लिया है इमाम दस्ते में। देखिए मैंने चेक किया, आलू हमारे गल गए हैं। अब यहाँ पर मैं मटर डालूँगी, इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ज़ीरा सौंफ लाल मिर्ची कूट के रखी थी वो 2 टेबल स्पून इतनी डाल दूँगी मैं, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर। हमारी आलू मटर की सब्ज़ी कितनी अच्छी दिख रही है। अब मैं यहाँ पर डालूँगी 1 नींबू का रस, अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं और इसको भी मिक्स कर दूँगी। टेस्टी आलू मटर की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई। अब सबसे लास्ट में डालूँगी मैं गरम मसाला 1/2 टीस्पून और हरा धनिया। और अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। हमारे सूखे मसाले की आलू मटर की टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे कमेंट्स कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलूँगी मैं आपसे अगली रेसिपी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।